ना धीरता ना रे लक्ष्मी सुन, ये क्या होली में ऐसे बाहर जा रही है, कोई रंग लगा दी कहाँ? अरे बुआ, किसी की हिम्मत जो मुझे छू दे। मुझे तो सबसे पहले अर्जुन जी ही रंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें मेरे रंग में टपना पड़ेगा। मतलब? मतलब कि बुआ, शर्त लगी है, कौन किसको सबसे पहले रंग लगाता है। ओह, ये बात है। तो जाइए राजकुमारी लक्ष्मी देवी, आज पूरे सनातन नगर और बाजपाई खानदान की इज्जत सिर्फ तुम्हारे हाथ है, और जीत के ही लौटना। आपका आशीर्वाद है बुआ, तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हे लक्ष्मी, आशीर्वाद तो ले जाती। ना धीरता ना रे, मुझे रंग मत लगाना। आज का हमारा बकरा कोई और है। कौन है वो? मिस्टर अर्जुन अग्निहोत्री। ओ हीरो, उसका वेट तो मैं भी कर रही हूँ। चुटकी, खैर वो बहुत समझदार है, ऐसे हाथ नहीं आने वाला। उसके लिए हम सबको कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। दीदी, इधर खड्डा खोद कर उसको कागज से ढक देते, उसके ऊपर मिट्टी डाल देते, और आप उसे बहला फुसला के लेके आओ, और उसके बाद चुप करो बच्चों, वो इतना बेवकूफ भी नहीं है, वो तो अपनी गाड़ी में आएगा। हमें क्या करना होगा? हाँ, ऐसा करते हैं, तुम सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेना, जैसे ही गाड़ी से उतरेगा कोई ना कोई पैर पकड़ लेना, और फिर मैं चुपके से आकर उसको दबोच लूंगी। दबोच के क्या करोगे? हाँ, तू बहुत बोलती है चुटकी। अरे रंग लगाऊंगी और क्या। ओके दीदी। ओके, तो मेरे सनातन नगर के सिपाहियों, तैयार हो? यस। आ क्या सिपाहियों, अटैक। ये कौन है? लक्ष्मी, ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं, और तुम ये जो वानर सेना के साथ मुझ पे अटैक करने वाली थी, उसका क्या? प्यार और जंग में सब जायज होता है, शर्त तो तुम हार गए। अब मांगो। मांगो नहीं, ये लो। क्या?
क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। हाथ छोड़ो ना। छोड़ूंगा तो नहीं तुम्हें, शर्त तो हारी हो तुम। और अपना प्रॉमिस याद है ना? अब तो मुझे आप या अर्जुन जी नहीं कहोगे। अरे ऐसे कैसे? प्रॉमिस करो, मुझे मेरी पहली वाली लक्ष्मी वापस चाहिए। छोड़ो ना प्लीज। अच्छा बाबा प्रॉमिस। अब दिखाती हूँ असली कानपुरिया होली। अपनी होली भूल जाओगे लंदन रिटर्न। चलो ये सब ऐसे चुपचाप क्यों बैठे? अरे बच्चों क्या हुआ, इधर आना। ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? चलो शुरू हो जाओ। देखो तो सही, सनातन नगर की जम्माई जी आए हैं। जरा इन्हें भी तो दिखाओ कानपुर की असली होली क्या होती है। चलो शुरू हो जाओ, डुबो दो इन्हें रंगों में। सब टाइटा फूस हो गया दीदी, पानी तो है ही नहीं। ये क्या कह रहे हो बबलू? अरे ऐसे कैसे पानी नहीं है? एक मिनट, गणेश भैया। हाँ लक्ष्मी। गणेश भैया ये बबलू क्या कह रहा है, सनातन नगर में पानी नहीं है? क्या बताए लक्ष्मी, म्यूनिसिपल वाले कहते हैं कि पानी की पाइपलाइन फट गई है, इसकी वजह से सनातन नगर में पानी नहीं आने वाला। अब ना पिचकारी में रंग बिरंगा पानी और ना गुब्बारे में दम, होली गई दीदी। अब क्या होगा, इसका मतलब नहीं खेल पाएंगे कानपुरिया होली। बिना पानी की कैसी होली दीदी? मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बच्चे, इन्होंने तो सुबह से कितनी तैयारियां की हैं, सब वेस्ट हो गया। मेरे घर में तो पीने तक का पानी नहीं है, फिर खाना कैसे बनेगा? हाँ और लक्ष्मी, अगर खाना नहीं बना और कुछ मीठा नहीं बना तो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे? अब जो भी करना है लक्ष्मी तुम ही करो। देखो ना लक्ष्मी, आज ये त्योहार के दिन क्या हो रहा है। काश मैं कुछ कर पाती। अरे अर्जुन जी कहाँ गए? अर्जुन जी, अर्जुन जी। अरे तुम अब तक यहीं पर हो? दादी का फोन आया था, वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये लो, आ गए सर। होली मुबारक। होली मुबारक हो आपको। अरे ये तो बहुत पुराना तरीका है होली मिलने का, ऐसे कहते हैं होली मुबारक। वाओ भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही है। अरे लक्ष्मी, आज चाहे जितना भी सज धज ले, लेकिन कुछ देर में सिर्फ रंग ही रंग दिखेगा इस पे। अरे इस पे क्या, चारों तरफ रंग ही रंग दिखेगा। किशोरी ये कुछ होली के तोहफे हैं। इतने सारे? मेरा मतलब है दादी जी, ये सब की क्या जरूरत थी? जी जी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारे परिवार के लिए है। अर्जुन ने मुझसे कहा कि सारा सनातन नगर तुम्हारा परिवार है, तो जी अर्जुन के माता पिता जी नहीं आए?
सके। वो हुआ यूं कि बिजनेस के सिलसिले में वो शहर के बाहर चले गए। आज तो डुगू बहुत जिद कर रहा था कि मैं आज ही की फ्लाइट पकड़ के आऊंगा, पर मैंने टोका कि बिल्कुल नहीं आ सकते तुम। वो क्या है ना, त्योहार में हमारे यहाँ सफर नहीं करते, है ना? आपको लग रहा होगा कि हर बार काम का बहाना बनाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिजनेस वाले लोग होते ही ऐसे हैं। और फिर मेरा डुगू ना बहुत काम काजी मन का है। आपको पता है डुगू की शादी की डेट 3 बार पोस्टपोन हुई थी। बिचारी रेनू का वो तो इंतजार ही कर रही थी। जानती हूँ आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है। त्योहार है ना, इसलिए जी चाह रहा था उनसे मिलने के लिए। आप उन्हें हमारी तरफ से होली की बधाई दीजिएगा। जी। और कहिएगा कि हम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हो सके तो वक्त निकाल कर हमसे एक बार मिल लें। बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा आइए आइए आइए। अरे ये क्या, ऐसा लगता है पूरा मोहल्ला यहाँ आके खड़ा हो गया। पर ना किसी के बदन पे होली के रंग है ना कुछ, ये इतने सीरियस क्यों हैं? अरे आज होली का दिन है, इनके कपड़ों में रंग होना चाहिए, हल्ला गुल्ला मस्ती होनी चाहिए, ये तो इतना सीरियस खड़े हैं। हाँ दादी ठीक कह रही हैं, हम तो हैं पूरे सनातन नगर के साथ होली खेलने आए, लेकिन यहाँ सबके चेहरे लटके हुए हैं, सब उदास हैं, क्यों? अर्जुन जी आप भूल गए क्या, पानी नहीं है। मिस लटर बटर, तुम जितना फर्राटेदार बोलती हो ना उतना सोचती नहीं, मेरे रहते किसी के चेहरे पे उदासी आ सकती है क्या? आज सनातन नगर में पानी भी आएगा और होली भी मनाई जाएगी, हमारी पहली होली है। शुरू हो जाओ। yeah! आज सनातन नगर में पानी की कमी नहीं होगी, मीठा भी बनेगा, भगवान जी को भोग भी चढ़ेगा और रंगों का धूम भी होगा, क्योंकि आज होली है। वारी वारी मैं अपने पिया पे वारी, हरा 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 मैं दोनों से हारा। एक मिनट,